हरदोई में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओम प्रकाश सिंह यादव की लाल बत्ती लगी इनोवा कार ने देर रात एक ठेले वाले को कुचल दिया। हादसे में ठेले वाले की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रही लाल बत्ती की गाड़ी को लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने सरकारी गाड़ी को तोड़कर उसमें आग लगाने की भी कोशिश की। हादसे के वक्त गाड़ी में मंत्री का ड्राइवर ही मौजूद था, जो मंत्री को बदायूं छोड़कर गाड़ी वापस लेकर लखनऊ जा रहा था। पुलिस ने शराब के नशे में धुत आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद लोगों ने सड़क पर शव को रखकर जाम भी लगाया। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो ये खबर यूपी के हरदोई की है, जहां ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओम प्रकाश सिंह यादव की लाल बत्ती लगी इनोवा कार से कल देर रात एक ठेले वाले का एक्सीडेंट हो गया। उस ठेले वाले को ड्राइवर ने कुचल दिया। इस हादसे में ठेले वाले की मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने हरदोई की है, और ये लाल बत्ती गाड़ी जो आप देख सकते हैं, जिसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज्ड है। लोगों की भीड़ साफ देखी जा सकती है। हादसे के बाद लाल बत्ती वाली इस गाड़ी को लोगों ने पकड़ लिया था। लोग वहां काफी गुस्सा गए थे, सरकारी गाड़ी को तोड़ने भी लगे थे। एक्सीडेंट हुआ जिसके चलते उसकी जो है मृत्यु हो गई है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गाड़ी को पकड़ लिया गया है, ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। किसकी गाड़ी है, कौन इसमें ड्राइव कर रहा था, इसमें बताया गया कि इसमें शराब की बोतलें भी थी, कितनी ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा था वो, इस सब का जो है जांच में इस चीज का खुलासा होगा। तो बाकी ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे अपने संवाददाता संतोष मिश्रा का। संतोष, ये खबर कल देर रात हरदोई से आई है, ओम प्रकाश यादव का इस पर क्या कहना है? उनसे तो कोई भी बात हो नहीं पा रही है, प्रयास किया जा रहा है फिलहाल, लेकिन ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जो जितने भी मंत्री देखा जाए तो अमूमन हम लोग रात में लखनऊ करते हैं, इस तरीके से ओवर एक्टिंग करते हुए मंत्री नहीं भी रहते हैं या अधिकारी नहीं भी रहते हैं। ये मंत्रियों की बात नहीं है, अधिकारियों के भी जो ड्राइवर हैं वो भी बत्ती उस समय जो है कोर्ट ने इस पे रोक भी लगाई थी कि अगर उसमें कोई अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रहे तो उसका नहीं किया, लेकिन वो बत्ती का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसका उसी नशे में, जैसे बत्ती का भी नशा होता है ऊपर से शराब का भी नशा होता है, फिर आगे कौन पड़ जा रहा है और किसका जीवन क्या है उनके नजर में, ये जो है हरदोई की घटना अपने आप में दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये काफी पुलिस को जो है कल मशक्कत करनी पड़ी इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, और कुल मिलाकर के जो सिचुएशन थी वो टेंस थी।